थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मुना बहुत ही अच्छा लगता है जब भी बॉलीवुड पर आपसे कनेक्ट होता है, बहुत कुछ नया हमें जानने को मिलता है। तो आज वी आर कम्प्लीटली होपिंग कि हमारे सारे व्यूअर्स को आज फिर से कुछ नया आपकी तरफ से मिल सके। सो आई होप यू आर रेडी। यप यप आई एम टोटली रेडी। ऑलराइट, सो मुना स्टार्टिंग विद अ वेरी बिगिनिंग, माय क्वेश्चन इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि साउथ विजन इंडिया क्योंकि एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुका है। डबिंग स्टूडियोज की अगर बात करूं तो नंबर वन पर भी आता है इंडिया में, एक अलग ही तरह का प्लेटफॉर्म बन चुका है। सारे रेनाउंड आर्टिस्ट स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, तो ऐसे में जब इसको एस्टैब्लिश किया गया तो क्या इस विजन के साथ या इस मेंटालिटी के साथ आपको बिल्कुल भी आइडिया था कि आज कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा ये? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली जब हमने ये शुरू किया था तब ये काफ़ी ऑर्गेनिकली शुरू हुआ था, बिकॉज यू नो मेरी मम्मी एडवर्टाइजिंग का काम करती थी जस्ट एज अ हॉबी पार्ट टाइम, और वो वॉइसिंग करती थी, जिंगल्स गाती थी। शी वॉज अ सिंगर एंड कॉपी राइटर फॉर एड फिल्म्स। तो उनको जब ये ऐसे रिक्वेस्ट आने लगे कि क्या आप हमें ये फिल्म डब करके दे सकते हैं, तो उन्होंने एक कुछ नया ट्राई करने के तौर पे ये किया। एंड जब मिस्टर अशिम सामंता ने उनको कांटेक्ट किया फॉर जुरासिक पार्क, और उससे पहले मिस्टर प्रेम सागर ने उनको कांटेक्ट किया था फॉर कृष्णा, जो उनकी सीरियल थी, रामानंद सागर जी की जो सीरियल थी जो बंगाली में डब हुई, वहां से ही सारा सिलसिला शुरू हुआ कि यू नो कृष्णा बिकेम पॉपुलर, अलिफ लैला बिकेम पॉपुलर, फिर जुरासिक पार्क तो बहुत ही बड़ी हिट हुई। सो यू नो आफ्टर दैट डबिंग बिकेम वेरी पॉपुलर, तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में डब होने लगी, सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु में भी डब होने लगी, और बहुत ही ऑर्गेनिकली समहाउ ये पूरा इंडस्ट्री जो है ग्रो होने लगा, यू नो। और इन ऑलमोस्ट 30 सालों में आई थिंक जो है ये बहुत ही ग्रो हो चुका है, इसका एक्सेप्टेंस जो है बहुत ग्रो हो चुका है। पहले फिल्मों को जो बॉक्स ऑफिस शेयर 5% मिलता था शायद डब्ड वर्जन को, कि 5% बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हिंदी वर्जन से या तमिल तेलुगु वर्जन से आते थे, वो आजकल 50-60% मार्केट शेयर हो गया है कुछ बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए। सो इट्स वेरी इनकरेजिंग टू सी द काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस, द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी दिस हैज रिसीव्ड। एंड यू नो ओवर द इयर्स ये इसमें बहुत लोग जुड़ चुके हैं, बहुत राइटर्स, बहुत वॉइस एक्टर्स, एक बहुत स्पेशल एक रोल क्रिएट हो गया है इसके जरिए, द रोल ऑफ अ डबिंग डायरेक्टर, यू नो, जो कि इस पूरे यू नो द वन हु पुट्स एवरीथिंग टुगेदर, यू नो, कि इसका राइटिंग कैसे होना चाहिए, इसका कास्टिंग कैसे होना चाहिए, इसका परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए, इसका रिकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए, यू नो हाउ द होल थिंग शुड कम टुगेदर। तो ये एक अलग ही इंडस्ट्री बन गया है। इसके स्टूडियोज अलग हैं, इसके साउंड इंजीनियर्स जो यहाँ काम करते हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, जो मिक्स इंजीनियर्स हमारे काम करते हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, जो राइटर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं, जो वॉइस एक्टर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स यू नो बाइंडिंग एवरीबॉडी इज द डबिंग डायरेक्टर एंड द डबिंग प्रोड्यूसर हु ब्रिंग दीज प्रोजेक्ट्स एंड पुट देम टुगेदर।